गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ स्ट्रक्चर्स का अध्ययन किया कि किस प्रकार से हम क्रिस्टलों की पैकिंग करते हैं, संकुलन करते हैं और उससे स्क्वायर प्लेनर, एक्सागोनल, एक्सागोनल में भी दो प्रकार की HCP और CCP स्ट्रक्चर्स फॉर्मेट होते हैं, यानी क्रिस्टल्स का संकुलन होता है इस प्रकार से। तो HCP पहले भी पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट लेयर, फिर सेकंड लेयर, और सेकंड लेयर में जो होल जनरेट होते हैं उन पे ही थर्ड लेयर आ जाए तो HCP स्ट्रक्चर बनेगी। आज हम अध्ययन करेंगे सम कॉमन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। लो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट AB टाइप स्ट्रक्चर। वे सरलतम संरचना के यौगिक जिनमें धनायन तथा ऋणायन की समन्वय संख्या समान होती है। समन्वय संख्या के आधार पर इस प्रकार के यौगिकों को 3 सामान्य संरचनाओं में विभाजित किया जा सकता है। सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। ऑल ऑफ फर्स्ट वी स्टडी अबाउट सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम क्लोराइड इज 8। 8 क्लोराइड एंड 8 सीजियम आर डायरेक्टली अटैच टू ईच अदर। The radius ratio is equal to or greater than 0.732। जब इस प्रकार से radius ratio 0.732 के इक्वल या इससे ज़्यादा होता है तो हमें घनी संरचना प्राप्त होती है। जिन आयनिक यौगिकों में धनायन तथा ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं उनमें ऋणायनों द्वारा निर्मित किसी बड़े छिद्र में ही इतना बड़ा धनायन ठीक से बैठ सकेगा। ऐसी परिस्थिति में ऋणायनों के घनीय घनतम संकुलन CCP द्वारा बने घने क्षेत्रों में धनायन बैठे होते हैं। यदि ऋणायनों को किसी घन के कोनों पर उपस्थित माना जाए तो उस घन के केंद्र पर धनायन उपस्थित होगा। इस प्रकार के 8 घन का निर्माण करेंगे जिसके केंद्र पर किया जा सकता है। सीजियम क्लोराइड इस प्रकार की संरचना वाले एक अति सामान्य लवण है। इस संरचना को सीजियम क्लोराइड संरचना कहते हैं। सीजियम प्लस में क्लोराइड माइनस आयनों की त्रिज्या का अनुपात 0.93 है। सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 6 ऑफ ईच अदर सोडियम एंड क्लोराइड। द रेडियस रेशियो इज इन बिटवीन 4.4142 0.732। द रेडियस रेशियो इन बिटवीन 4.142 0.732 के बीच में होता है। इस प्रकार की संरचना में ऋणायन एक फलक केंद्रित घन FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक संरचना बनाते हैं। ऐसे एक इकाई सेल 14 ऋणायनों का बना होता है जिसमें 8 ऋणायन एक घन के कोनों पर तथा शेष ऋणायन घन के 6 फलकों में प्रत्येक के केंद्र पर स्थित होता है। एक आयनिक क्रिस्टल में प्रत्येक धनायन 6 ऋणायनों से तथा प्रत्येक ऋणायन 6 धनायनों से अष्टफल के रूप से घिरा होता है। इस संरचना को फलक केंद्रित घन FCC संरचना कहते हैं। सोडियम क्लोराइड इस प्रकार की संरचना में क्रिस्टलित होता है। इस प्रकार की संरचना को NCC संरचना कहते हैं, यानी Cl संरचना कहते हैं। सीजियम हैलाइडों के अतिरिक्त शेष 4 धातु हैलाइडों, 4 मृदा धातु ऑक्साइड तथा सल्फाइड AgF, AgCl, AgBr इस प्रकार की संरचना में क्रिस्टलित होते हैं। थर्ड आती है जिंक ब्लड स्ट्रक्चर। जिंक ब्लड स्ट्रक्चर देखिए, जिंक ब्लड स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4, रेडियस रेशो इन बिटवीन 0.225 to 0.414। जिंक सल्फाइड द्वारा प्रदर्शित दो प्रकार संरचनाओं में से एक है। ये संरचना भी ऋणायनों की फलक केंद्रीय संरचना से प्राप्त की जा सकती है जिसमें ऋणायनों के चतुष्फल के छिद्रों से घिरा होता है। लेकिन इस प्रकार के यौगिकों में धनायन व ऋणायनों की समन्वय संख्या समान रहने के कारण इन 8 छिद्रों में से 4 ही धनायन पाए जाएंगे, जिसे धनायन के भांति ऋणायन भी 4 विपरीत आवेशित आयनों से चतुष्फल के रूप से घिरे हुए रहेंगे। मैन इन स्ट्रक्चर में इनका कोऑर्डिनेशन नंबर एंड देयर रेडियस रेशियो, ये मैन
होते हैं। वोटाइज स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट्स नंबर 4:4 रेडिस रेशो इन बिटवीन 0.2252 0.414। वोटाइज जिंक सल्फाइड का ही एक अपरूप है। इस रचना में भी जिंक ब्लेड की भांति धनायन तथा ऋणायन विपरीत आवेशित चार आयनों से चतुष्फल के रूप से घिरे होते हैं। वोटाइज व जिंक ब्लेड संरचनाओं में मात्र इतना अंतर है कि जिंक ब्लेड संरचना में ऋणायन जालक फल केंद्रित घनीय FCC होता है, जबकि वोटाइज संरचना में यह HCP होता है। अब सेकंड है AB2 टाइप स्ट्रक्चर। इस प्रकार संरचना में फ्लोराइड प्रतिफ्लोराइड एंड रूटाइल संरचनाएँ सामान्य संरचनाएँ हैं। इनमें बहुत से डाइफ्लोराइड डाइऑक्साइड क्रिस्टलित होते हैं। एक आयन की समन्वय संख्या दूसरे आयन की समन्वय संख्या की ठीक दुगुनी होती है। ऑल ऑफ फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8:4 एंड रेडिस रेशो 0.732। द कैल्शियम फ्लोराइड CF2 जिसे फ्लोराइड भी कहते हैं कि इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। इस संरचना को फ्लोराइड संरचना कहते हैं। फ्लोराइड संरचना में धनायन फलक केंद्रित घनिष्ठ जालक का निर्माण करते हैं तथा ऋणायन आठों चतुष्फल के छिद्रों को ग्रहण करते हैं, जिसके कारण ऋणायनों का एक घन बन जाता है। अतः ये क्रिस्टल कैल्शियम आयनों के फलक केंद्रित घने जालक तथा फ्लोराइड आयनों के घनीय जालक के एक दूसरे में प्रवेश करने से बनता है। इस प्रकार से यह संरचना भी जिंक ब्लेड की संरचना की तरह ही होती है। दोनों में केवल इतना अंतर होता है कि जिंक ब्लेड संरचना में जहां आधे चतुष्फल के छिद्र ही भरे हुए होते हैं, फ्लोराइड संरचना में सारे चतुष्फल के छिद्रों में ऋणायन होते हैं। जैसे फ्लोराइड संरचना में प्रत्येक धनायन 8 ऋणायनों से घनीय रूप में तथा प्रत्येक ऋणायन 4 धनायनों से चतुष्फल के रूप से घिरा होता है। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम कैडमियम तथा मरकरी के फ्लोराइडों में भी फ्लोराइड संरचना पाई जाती है। एक है लास्ट रूटाइल स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6:3 रेडिस रेशो इन बिटवीन 0.4142 0.732। टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2 का नाम रूटाइल है। इस संरचना में प्रत्येक धनायन 6 ऋणायनों से अष्टफल के ज्यामिति में तथा प्रत्येक ऋणायन 3 धनायनों से त्रिभुजीय रूप से घिरा होता है। इस संरचना को क्रिस्टल होने वाले अन्य यौगिक हैं कॉपर तथा निकल के डाइफ्लोराइड लेड ऑक्साइड मैग्नीज ऑक्साइड। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे लैटिस एनर्जी। ओके, थैंक यू।